एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास फोर के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस को फॉलो करके आप जान पाएंगे कि बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स करवाए जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या होता है ना, कई सारे स्कूल्स अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है चैप्टर्स थोड़े आगे पीछे हो, पर यही सभी टॉपिक्स आप बच्चों को सिखाएं, ये सभी टॉपिक्स ही बच्चों को क्लास फोर में इंग्लिश ग्रामर में सिखाए जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास फोर में बच्चों का फर्स्ट चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया जाता है। जैसे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो होता है नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। इस तरह से बच्चों को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि सेंटेंस क्या होते हैं, देन उन्हें अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जैसे जंबल सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स लिखकर दिए जाते हैं जिसे बच्चों को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें बच्चों को सिंपल सेंटेंस लिखकर दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो इस तरह से बच्चों को पार्ट ऑफ सेंटेंस सिखाए जाते हैं। देन काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के जो 4 टाइप्स होते हैं वो बच्चों को सिखाया जाता है, जो है डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। और इन सभी सेंटेंसेस को किस तरह से प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क के साथ लिखा जाता है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बच्चों को सेंटेंसेस वाले चैप्टर्स में दिए जाते हैं। देन आफ्टर बच्चों को नाउन्स सिखाए जाते हैं। नाउन्स में बच्चों को टाइप्स ऑफ नाउन्स जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड ऑब्जेक्ट नाउन सिखाया जाता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। मटेरियल नाउन्स का मतलब होता है अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स इज अ मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ नेम गिवन टू अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन होता है कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच नेम्स एनीथिंग विच कैन नॉट बी फेल्ट बाय एनी सेंसेस। इट इज अ नेम ऑफ एक्शन और क्वालिटी जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, जॉय, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को टाइप्स ऑफ नाउन्स में ये सभी टॉपिक्स कराए जाते हैं। देन आफ्टर जेंडर नाउन, जेंडर नाउन जैसे मेल, फीमेल, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इस तरह से बच्चों को जेंडर्स के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कराई जाती है जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आ सके। देन आफ्टर प्रोनाउंस, बच्चों को प्रोनाउंस के टॉपिक्स कराए जाते हैं। प्रोनाउन यानी जब किसी सेंटेंस में नाउन बार बार रिपीट होता है तो हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, हिज, वी, इस तरह से। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो बच्चों को क्लास फोर में सिखाया जाता है और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जाती है। देन नेक्स्ट चैप्टर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल बिग, राउंड, स्वीट, ओल्ड, इस तरह से। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी शो होती हो, जैसे सिंगल, इनफ, लिटिल। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 हैंड्स, तो यहाँ पर जो 2 है ना, ये है हमारा नंबर एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें जैसे दिस, दैट, हियर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स,
इसमें डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरह के पजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल आर, योर, हिज, हर, माइन, इट्स, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। इस तरह से बच्चों को टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कराए जाते हैं। ये जब बच्चों को प्रैक्टिकली करवाया जाएगा ना तो उन्हें बहुत ही आसान होगा इसे समझने में, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देन आफ्टर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से हम ए, एन, द का इस्तेमाल सेंटेंस में या वर्ड्स के आगे करते हैं और कहां पर इसे करना चाहिए और कौन से रूल्स इसे फॉलो करते हैं। जैसे ए का यूज हम कब करते हैं, जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का होता है तो उस वर्ड के आगे हम ए लगाते हैं, और जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हिंदी के वॉवेल यानी स्वर का होता है तो उस वर्ड के आगे हम ए एन लगाते हैं, और स्पेसिफिक थिंग्स जैसे जो सिंगल है, स्पेसिफिक है, उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से बच्चों को आर्टिकल्स का यूज करना सिखाया जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज वर्ब्स। वर्ब्स में भी बच्चों को सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वर्ब्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, जैसे राइटिंग, जंपिंग, रीडिंग, प्लेइंग, इस तरह से जिसमें कुछ एक्शन हो रहा है वो होता है हमारा मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से बच्चों को फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, वो सब इस चैप्टर्स में बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल्स भी वर्ब का एक टाइप है जिसमें बच्चों को कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये सिखाया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में भी बच्चों को सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, फास्ट, लाउडली, हैप्पीली, अर्ली, लेट, इस तरह से। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, बच्चों को एडवर्ब्स के टाइप्स सिखाए जाते हैं, फोर टाइप्स, जैसे मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सभी टॉपिक्स बच्चों को एडवर्ब्स वाले चैप्टर्स में कराए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज टेंसेस। बच्चों को सभी टेंसेस क्लास फोर में सिखाए जाते हैं, जैसे सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह से बच्चों को टेंसेस के स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ होगा और बच्चों को पहचानना होगा कि वो कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है। इसमें बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि उन्हें सेंटेंस लिखकर दिया गया है और उन्हें दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जस्ट उन्हें स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं, उन्हें सिंपल सेंटेंस लिखकर दिया जाता है और उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया जाएगा। देन आफ्टर प्रीपोजिशंस में बच्चों को टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शंस का नॉलेज दिया जाता है और इसे किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाए वो बच्चों को सिखाया जाता है। कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में भी बच्चों को सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कंजंक्शंस का डेफिनेशन होता है अ कंजंक्शंस इज अ वर्ड विच जॉइंस टू नाउंस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। उसके बाद कंजंक्शंस के टाइप्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। क्लास फोर में बच्चों को टू टाइप्स सिखाए जाते हैं, जो होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग। सो इस तरह से बच्चों को कंजंक्शंस के टॉपिक्स कराए जाते हैं। जैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना एंड, और, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में बच्चों को एक्सप्रेशंस सिखाए जाते हैं। जैसे जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं ना, कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ बेबी गर्ल, ओह वी लॉस्ट हिम,
हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो इस तरह के जो वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओह, हुर्रे, ये सभी होते हैं इंटरजेक्शंस वर्ड। इसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। इसमें बच्चों को इनफॉर्मल लेटर्स सही तरीके से फॉर्मेट वाइज लिखना सिखाया जाता है। इनफॉर्मल लेटर, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो तो उसे किस तरह से लिखना है, अपने फादर या मदर को लेटर लिख रहे हो तो उसे किस तरह से लिखना होगा, तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को लेटर राइटिंग में सिखाया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऐसे राइटिंग। बच्चों को ग्रामर प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे राइटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं रह जाता, वो आसानी से ऐसे राइटिंग लिख देते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख दिए और ऐसे तैयार हो गया। पर ऐसे को किस तरह से सही स्टेप वाइज स्टेप लिखना चाहिए वो बच्चों को इस चैप्टर में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरी राइटिंग। बच्चों को स्टोरी लिखना सिखाया जाता है, जैसे फॉर्मेट में किस तरह से उसे लिखा जाता है, किस तरह से स्टोरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सभी कुछ बच्चों को कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू सिखाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को ऐसे लिखना, लेटर राइटिंग करना या फिर स्टोरी लिखना आसान हो जाता है और वो धीरे धीरे करके सेंटेंस को सही तरीके से बनाना सीखते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स बच्चों को क्लास 4 में इंग्लिश ग्रामर में सिखाए जाते हैं। आई होप आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ये सभी टॉपिक्स पे मैं धीरे धीरे करके वीडियोस और वर्कशीट्स लाती रहूंगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।